नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको किसी राजनीतिक मंच पर भाषण देना हो तो आप ऐसे शुरुआत कीजिए। देखिए, राजनीतिक मंच पर अगर आप कुशल वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भाषण में लोकतंत्र की भूमिका को स्पष्ट करना होगा। लोकतंत्र के बारे में आप बताइए थोड़ा सा, उसके बाद अपनी पार्टी के पक्ष या प्रतिपक्ष के बारे में बातें रखिए, शुरुआत कीजिए। सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज होता है। सत्ता न्याय में सच्चाई ईमान का ताज होता है। जनता की अंतरात्मा को सुन लिया जिसने, राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता पर उसी का राज होता है। सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान पार्टी के प्रतिष्ठित एवं विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी बदौलत आज ये युग परिवर्तन कार्यक्रम हुआ या रैली हुई। सभा में उपस्थित भारतीय लोकतंत्र के प्रति विराट सोच रखने वाले सम्मानित बुजुर्ग, सद्गुण संपन्न युवा नागरिक एवं गृहस्थ जीवन की धुरी नारी शक्ति का करबद्ध अभिवादन करता हूँ। आज इस राजनीतिक कार्यक्रम में हमारा एकजुट होना भारतीय लोकतंत्र के प्रति हमारी सच्ची आस्था को दर्शाता है। यह आस्था भी इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। अरस्तु के शब्दों में राजनीति के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम है वह न्याय है, तथा न्याय उन बातों में निहित है जिनमें सार्वजनिक हित हो। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की संप्रभुता होती है। लोकतंत्र जनता की राय और अंतरात्मा की आवाज़ होती है। लोकतंत्र में आम आदमी के वोट की कीमत कई गुना होती है। झूठे वादों से सत्ता स्थायी नहीं होती। सरकार तभी चलती है जब उसके सदस्य गुणी हों, परिश्रमी हों, सहयोग करने वाले हों, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने वाले हों, राज्य के लिए त्याग करने वाले हों तथा जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हों। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो जनता उससे हुकूमत करने का हक छीन लेती है। गरीबों का पोषण करने की बजाय उनके मुंह से निवाला छीनने वालों के पास शासन रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता का लोकतंत्र या प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा। आज ज़रूरत है हमें एक अभूतपूर्व परिवर्तन की। हमें एक नई दिशा, नई सोच, नए उत्साह के साथ चलने की ज़रूरत है। जहां लोकतंत्र में आस्था होती है वहां सोच भी बलवती होनी चाहिए। निरंकुश शासन से मुक्त होना हो तो जन जन की परस्पर सहमति होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने भाषण देना हो राजनीति का तो आप बीच में इन बातों को डाल सकते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष या दूसरी पार्टी के प्रतिपक्ष की जो बात है उसे रखने से पहले भारतीय लोकतंत्र के बारे में जरूर बोलिए, ताकि एक अच्छे वक्ता के रूप में आप नजर आओ। इन्हीं शब्दों के साथ बने रहिए चैनल पर।